लावा के फोन हमने काफी सारे रिव्यू करे, काफी सारे आप लोगों ने देखे भी होंगे, बट लावा लेकर आ गए उनकी स्मार्ट वॉच। ये है उनका टफ है प्रो करके टैगलाइन रखी है स्मार्ट वॉच को लेकर। तो फटाफट से बात करते हैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को लेके, प्लस इस वॉच का जो मैंने एक्सपीरियंस किया है दो तीन दिन से पहन कर जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप खरीदने का मन बना रहे तो आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। तो डब्बा खोलते फटाफट से अपन यहाँ पे, तो ये स्पेशल डब्बा है टफ है प्रो करके। बस इसकी बॉक्सिंग तो आपको खोलते से आपका जो मेन बॉक्स दिख जाएगा। अब ये जो मेन बॉक्स है यहाँ पे लिखा हुआ है प्रो वॉच बाय लावा, ये इसका जो है बेसिकली प्रो वॉच के नाम है। अगर साइड में देखोगे आप यहाँ पे तो आपको कुछ की हाइलाइट्स दे रखे। कंटेंट पैकेज पे फटाफट से आपको सबसे पहले आपकी स्मार्ट वॉच दिख जाती है। स्मार्ट वॉच के अलावा आपको यहाँ पर एक चार्जिंग केबल मिल जाएगी जिससे आप इसको चार्ज वगैरह कर सकते हैं, और एक आपको बुकलेट वाली चीज मिल जाती है यहाँ पर, यानी कि मैनुअल है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है डिवाइस रिलेटेड। और यहाँ पर आपको ना स्टिकर्स प्रोवाइड कर रखे, काफी सारे अलग अलग यहाँ पर डिफरेंट स्टिकर्स हैं, बहुत सारे दे रखे इन्होंने, तो इसको आप लगा सकते हो, यूज कर सकते हो कहीं भी अगर आप यूज करना चाहते हैं। तो बस यही कुछ आपको जो है डब्बे के अंदर देखने को मिलता है। बट बात करते हैं वॉच को लेकर, तो वॉच का डिजाइन जो है वो मेटेलिक आपको देखने को मिलता है, सॉलिड मेटेलिक फ्रेम है यहाँ पर। टॉप पे आपको यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोवाइड कर रखा है प्रोटेक्शन के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आपको मिल जाएगा। पर बातचीत करते हैं हम लोग सीधे वॉच को लेके, तो डिजाइन बहुत सही दे रखा है। मतलब अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे डायल जो है वो सर्कुलर रखा हुआ है, दो आपको यहाँ पे बटन दे रखे हैं। अच्छा, ये जो बटन है ऊपर वाला ये एक रोटेटिंग क्राउन की तरह वर्क करता है, हल्की से आपको आवाज भी सुनाई देती है यहाँ पर, तो जो फीडबैक है हैप्टिक वो भी आपको नजर आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रैप जो है आपको सिलिकॉन के प्रोवाइड कर रखे हैं, मेटेलिक मेन फ्रेम दे रखी है, और नीचे बॉटम थोड़ा सा प्लास्टिक है जहाँ पे आपके सेंसर वगैरह दे रखे हैं। अब स्ट्रैप क्वालिटी को लेकर बात करूँ तो सिलिकॉन के स्ट्रैप यूजुअली जो आते हैं उनसे थोड़ा सा बेहतर लगा मुझे, यानी कि क्वालिटी अच्छी है। इवन आपको हल्का सा यहाँ पे टेक्सचर भी देखने को मिलेगा, और स्मार्ट वॉच के यहाँ पे जो है बेजिंग वगैरह इन्होंने कर रखी है प्रो वॉच के नाम से। तो ये डिजाइन लुक के मामले में तो काफी मिनिमलिस्टिक सी वॉच है। बड़ा इसके पर्सनल मैं हार्डवेयर को लेकर बात करूं जो इंटरनल यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड कर रखे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले काफी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि 1.43 इंच का ये डिस्प्ले एमोलेड है, और एमोलेड डिस्प्ले हमेशा थोड़े से जो नॉर्मल TFT पैनल्स आते हैं उनसे बेहतर होता है। तो नो डाउट आपको यहाँ पे क्वालिटी अच्छी मिलती है, क्लैरिटी भी अच्छी है, कलर्स वगैरह काफी ब्राइट हैं, और आप आउटडोर में भी यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको इनफ ब्राइटनेस भी यहाँ पर मिल जाती है। बाकी चीजों को लेके बात करूं मैं इसमें डिस्प्ले में, तो आपको वेग गेश्योर दे रखा है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको यहाँ पर दे रखा है, जो कि आपको सेटिंग में जाके जो है एनेबल करना पड़ेगा, तो वहां से सेटिंग से आप एनेबल करके इसमें ODs को भी ऑन कर सकते हैं। अब बाकी बात करें तो यहाँ पर वाटर रेटिंग अच्छी मिल जाती है, IP68 रेटेड भी है, तो अगर आप स्विमिंग पूल वगैरह में पहन के जा रहे हैं वॉच को तो आप पहन के जा सकते हैं, दिक्कत नहीं आने वाली है। बैटरी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर 350 mAh की बैटरी भी दे रखी है, 10 दिन ब्रांड बोल रही कि चल जाएगी, बट एक्सपीरियंस वाइज बात करूँ तो मेरे को अभी जितने दिन मैंने यूज करा 3 दिन से यूज कर रहा हूँ और अच्छी खासी चल गई है। और अभी भी अगर इसकी बैटरी लेके मैं बात करूं तो करंट अभी इसका बैटरी स्टेटस लगभग 74% पर ही आया, तो अभी हावा मैंने कॉलिंग वाला फंक्शन यूज नहीं कर रखा था, तो इस वजह से इसकी बैटरी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो आप ये मांग सकते हैं कि 4 से 5 दिन चल जाएगी बिना कॉलिंग वाले फंक्शन को यूज करो, और कॉलिंग वाले फंक्शन को यूज करोगे तो आप 2 दिन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस को। सेंसर पर नजर डालते हैं यहाँ पे, तो सेंसर में आपको जो भी मेन 3 सेंसर होते हैं ना, जैसे आपका HR हो गया, SPO2 हो गया, एक्सेलेरोमीटर हो गया, वो 3 सेंसर आपको हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, और एक्यूरेसी में थोड़े से मुझे ये बेहतर लगे हैं, उसके बारे में आगे बात करूंगा मैं। तो एज सच हार्डवेयर में यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रखे इन्होंने, और माइक और स्पीकर भी आपको दे रखा है ताकि आप इसी के थ्रू जो है बातचीत भी कर सकते हो कॉल के दौरान। बट अब मैं बात करूंगा इसकी UI को लेकर, क्योंकि UI एक ऐसा पर्सपेक्टिव होता है कि जब भी हम यूजर यूज कर रहे होते हैं तो अगर अच्छी नहीं होती ना UI तो वॉच का जो मजा है ना वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी, इसकी जो UI है क्लीन है, स्मूथ भी वर्क कर रही है। नीचे से आपको देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन दिख जाती है, टॉप से आपके टॉगल आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी ब्राइटनेस होगी, सेटिंग होगी, वेग गेश्योर वगैरह को ऑन ऑफ करना है वो दे रखा है। राइट साइड से आप सारी एक्टिविटीज वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, आपने जो भी किया, कितना स्लीप किया है, कितना एक्सपोर्ट हो रखा है, कितना आपने स्टेप चलाया, कितनी कैलोरीज बर्न कर रखी है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। और सेंटर टच पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो वॉच फेसेस दे रखे हैं वो मिल जाते हैं, अगर वो चेंज भी करना है तो यहाँ पर क्राउन दे रखा है, इसको रोटेट करोगे ना तो आपके जो वॉच फेसेस हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से UI में कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर आपको जो स्मूथनेस है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, तो आप इसको यूज़ कर पाएंगे, कोई दिक्कत ऐसा नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो इसके फीचर्स हैं उन पे अगर आप हाईलाइट डालते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाता है कॉलिंग वाली फंक्शन। अब कॉलिंग वाले फंक्शन की बात करूँ तो वो यहाँ पर अच्छे से वर्क भी कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस और टेस्टिंग भी आपको सुना दूंगा। बट यहाँ पे 3 चीज़ें मिल जाती हैं आपको, कॉल हिस्ट्री मिल जाती है, डायल पिन मिल जाता है, और फेवरेट कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे अपने पसंद के कुछ कॉन्टेक्ट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो। अब क्वालिटी की बात करें तो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो लावा की वॉच से आ रही है, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस वॉच देगी जब आप उसको कॉलिंग के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। अदर फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बेसिक सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपका अलार्म हो गया, स्टॉप वॉच हो गया, टाइमर हो गया, ये सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। स्ट्रेस मॉनिटरिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह आपको दे रखी है यहाँ पे। और अगर SPO2 HR की रीडिंग्स को लेके बात करूँ तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस लगी मुझे, स्पेशली कि मैं यूज कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि रीडिंग काफी अच्छी दे रहा है। और इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो मेरे मोशन ट्रैकिंग वगैरह थी, यानी कितने स्टेप्स में चला हूँ, कितना मूवमेंट मैंने किया है, जिम के टाइम पे भी मैंने जितनी मूवमेंट्स वगैरह करे तो प्रॉपर दिखा रहा था, तो एक्यूरेसी में कह सकता हूँ कि वॉच काफी बेहतर है। अगर ऐसा देखेंगे तो आपको जो कुछ खास फीचर्स होते हैं जैसे कि म्यूजिक कंट्रोल करना होता है, कैमरा कंट्रोल करना होता है, फाइंड माय फोन वाला ऑप्शन होता है जहाँ पे अगर आपको फोन सर्च करना है, कनेक्टेड ऐप की
वॉच और आपको मिल नहीं रहा है तो अपनी वॉच से उसको रिंग कर सकते हो। तो ये सारे फंक्शंस भी आपको हमें मिल जाते हैं। गेम्स भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं और गेम्स यहाँ पे 3-4 आपको दे रखे हैं। आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो आराम से इन गेम्स को, थोड़ा सा एक एंगेजमेंट, जैसे अगर फ्री टाइम में बोर हो रहे हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय कर पाओगे वॉच पे। कैलकुलेटर वाला ऑप्शन भी दे रखा है तो आप ऑन को चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जितने भी फीचर्स हैं वो आपको सब मिल जाते हैं यहाँ पे। स्क्रीन टाइम बढ़ाना है, AOD क्लॉक बढ़ानी है, वाइब्रेशन अगर आपको सेट करनी है, बैटरी परफॉर्मेंस अगर आपको चेक करनी है, या पावर सेविंग मोड में इसको डालना है वॉच को, तो वो आप कर पाएंगे। रिंगटोन की सेटिंग की बात करें तो रिंगटोन की वॉल्यूम वगैरह आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, जिसे मैंने अभी यहाँ पे कर दिया। रिंगटोन अगर आपको ऑन करनी तो आप ऑन कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि मुझे रिंगटोन नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ वाइब्रेशन चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। इसमें अलार्म के लिए और मैसेज के लिए भी आपको यहाँ पर जो है रिंगटोन वगैरह दे रखी है। बाकी तो आपके बेसिक रिस्टार्ट, रीसेट और शटडाउन वाला सेटिंग आपको मिल जाता है। और QR कोड स्कैन करके आप इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन जो है लावा की खुद की एप्लीकेशन यहाँ पर इन्होंने इंटीग्रेट करी है, तो दिक्कत नहीं आने वाली, सिमलेस कनेक्टिविटी मिल जाती है। और सेकंड मोस्ट चीज़ ये है कि आपको बहुत सारे वॉच फेसेस और फीचर्स वहाँ से भी एनेबल करने को मिलेंगे। जो भी आपके एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स हैं वो आप वहाँ से एनेबल कर सकते हो। सेटिंग्स वगैरह जो भी आपको एडजस्ट करनी तो वो आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगी और दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरे हिसाब से इस वॉच की बात करूँ तो यार फीचर्स के मामले में काफ़ी अच्छी है, और एक इंडियन ब्रांड की तरफ से और एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो मैं पर्सनली तो कहूँगा कि आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एक नई स्मार्ट वॉच लेने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में अच्छी है, फीचर्स वगैरह जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है, तो आप इसको डेफिनेटली देख सकते हैं। जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी रीजनेबल रखी है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस वॉच में तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना। बाकी भाई के लिए आपको ज्यादा प्यार देना होगा तो लाइक दोस्तों का, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटिंग रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।